पिछले एपिसोड में हमने देखा वेस्टर्न प्राइड अपने कब्स के बेहतरीन भविष्य के लिए आइलैंड के किनारे आ पहुंचता है और मकुलु पैक के एक सोल्जर को बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गया है। मकुलु पैक में बेचैनी बढ़ चुका है। अपने इलाके से निकाली गई शेरनिया अपने खुद के कॉलेशन का निर्माण करती है। किंगडम पर राज कर रहे यह तानाशाही शासक इस जंग के माहौल का आनंद ले रहे हैं। पावर अब हाथ से निकल रहा है। सभी आपस में लड़ेंगे जिससे खून की नदियां बहेंगी, ताकि जो सबसे पावरफुल हो वह जीत सके इस सैविज किंगडम को। आज मैं जिस एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसका नाम है राइज ऑफ एग्जाइल्स। यह सीजन 3 का तीसरा एपिसोड है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। गाइज, आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए। इस वीडियो में 4000 लाइक्स आएंगे, उसके बाद ही मैं चौथा एपिसोड रिलीज करूंगा। सो प्लीज अभी जाइए और लाइक कीजिए। इतने सालों से मोगाटला मकुलु पैक को सही से लीड कर रहा था, लेकिन उसके पास ना वो ताकत बची है ना ही वह हिम्मत जिससे वह एक जंग लड़ सके। ऐसे में मोगाटला का ही एक शागिर्द किट्सो मोगाटला को गद्दी से हटाकर खुद उस पर बैठना चाहता है, लेकिन मोगाटला भी कम नहीं है, वह ऐसे हार मानने वाला नहीं है। वह किट्सो का सामना करता है, लेकिन अफसोस वह हार जाता है। शायद उसे अंजाम मालूम था। इधर पैक की फीमेल्स किट्सो को फाइनली एज ए लीडर स्वीकार कर लेती है। उसके शरीर पर लगे जख्म उसकी जीत की निशानी है। अब किट्सो का सबसे पहला काम है पैक को लीड करना हाइना से होने वाले जंग में। बाढ़ का सीजन अपने पीक पर है, जिस वजह से सभी को साथ रहना पड़ रहा है, और ऐसे में मुठभेड़ होना आम बात है। डिकलेडी हर मुमकिन कोशिश कर रही है किंगडम में होने वाले खतरों को समझने की, और उसकी लगातार कोशिश के वजह से ही उसके बच्चे अभी तक महफूज हैं। उसका सबसे बड़ा बेटा सेपो शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि वह किसका शिकार करेगा और कैसे करेगा। वह एक लोमड़ी का पीछा करता है पर सफल नहीं हो पाता है। डिकलेडी अपने बेटे में वह काबिलियत देख चुकी है जिसकी जरूरत सर्वाइवल के लिए होती है। फिलहाल उसके बच्चे भूखे हैं और उसे ही कुछ करना होगा शिकार करने के लिए, क्योंकि वह स्ट्रांग और फास्ट है अपने बच्चों से। इसीलिए उन्हें एक जगह रखकर वह शिकार पर निकलती है और तेजी से भागकर एक हिरण का शिकार कर लेती है। डिकेलेडी अपने कब्स को आवाज देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ममूर्सी की आर्मी हर जगह फैली हुई है, जिसे देख डिकेलेडी भाग जाती है। आज उसने इतनी एनर्जी खर्च की, लेकिन फिर भी शिकार उसका नहीं हो पाया। लेकिन जो भी हो, उसे आगे बढ़ते रहना होगा। अपनी टेरिटरी से निकाले जाने के बाद रामोखाटा और वेस्टर्न प्राइड आइलैंड के किनारे आ पहुंचे हैं और अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। फिलहाल यहां वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी ममूर्सी वहां पहुंच जाती है। प्राइड के क्वींस उनका पीछा करती है ताकि उन्हें एक सबक सिखा सके। इधर रामोखाटा भी उनका सामना करने के लिए तैयार है, वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए रामोखाटा भी हाइनास का पीछा करता है और एक संदेश भेजता है उनकी क्वीन ममूर्सी के लिए, क्योंकि इसका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। प्राइड की क्वींस ने 6 कब्स को जन्म दिया है, 5 फीमेल और 1 मेल। यह परिवार के लिए अच्छी बात है, इनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। अगर रामोखाटा और उसका भाई कब्स को जीवित रखने में सफल होते हैं, तब वे फ्यूचर में एक दिन काफी अच्छे वॉरियर्स बनेंगे। आइलैंड में अत्यधिक शिकार मिलने की वजह से ममूर्सी और उसकी सेना बेकाबू होते जा रही है। हर बढ़ते दिन के साथ इनके तेवर चढ़ते जा रहे हैं। तभी ममूर्सी को एक बेचैन हाथी और उसका बीमार बेटा दिखता है। बड़ी अजीब बात है, यह मौत के सौदागर कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं अपना फायदा उठाने के लिए। ममूर्सी और उसकी सेना बेचारी माँ की तकलीफ पर हंस रही है। बस कुछ ही देर में इसका बेटा मारा जाता है।
अब जज्बात के कोई मायने नहीं रहे। कमांडर क्वीन मामूटसी के आदेश बहुत सिंपल थे, जो हमारा है उसे ले लो, चाहे सामने वाला कितना ही पावरफुल और बड़ा क्यों ना हो। इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, ना ही यह शोक में डूबा जायंट और ना ही कोई और। इधर मकुलू पैक में किट्सो के लीडर बनने से पैक में शांति लौट आई है। वह काफी दयालु भी है और अपने पुराने लीडर मोगाटला को पैक में रहने देता है। वह जानता है लॉयल्टी की कीमत क्या है, लेकिन अब समय आ चुका है किट्सो को अपनी काबिलियत को साबित करने का। इस शिकार में उसे लीड करना होगा। वे सभी किट्सो की अगुवाई में हिरण पर टूट पड़ते हैं और एक हिरण का शिकार कर लेते हैं। आज किट्सो की वजह से सभी को अपना पेट भरने का मौका मिला। अब मकुलू पैक वापस लौट चुका है अपने पुराने अवतार में, स्ट्रांग और यूनिटी के साथ किंगडम में चल रहे तानाशाही को खत्म करने के लिए। मामूटसी किंगडम में बेखौफ घूमती है और जो भी इसके विरोध करने की कोशिश करता है वह उसे नहीं छोड़ती है। मामूटसी के लगातार कामयाबी से यह सातवें आसमान पर चढ़ चुकी है। सही मायने में यह एक रुथलेस और ब्रिलियंट कमांडर जनरल है, जो अपने कोख में नेक्स्ट जनरेशन के सोल्जर्स लिए घूम रही है। जन्म के बाद उन्हें भी खुद को साबित करना होगा, क्योंकि यहाँ किंगडम में सभी खून के प्यासे हैं और सत्ता के भी। डिक लेडी परेशान है, जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते उसे सुकून नसीब नहीं होने वाला है। लेकिन उसके बच्चे बेफिक्र हैं और मजे कर रहे हैं। अभी भी वे दूसरे के इलाके में हैं और जिंदगी के इम्तिहान से गुजर रहे हैं। रमोघाटा और उसका भाई अपने टेरिटरी की हिफाजत के लिए पेट्रोलिंग कर रहा है। यह इलाका वेस्टर्न प्राइड का है, जिसे रमोघाटा किसी से शेयर नहीं करेगा। लेकिन डिकलेडी उसी के इलाके में घुसपैठ कर चुकी है, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। रमोघाटा उसे और उसके बच्चों को मार डालेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। रमोघाटा को देखकर सेपो और उसके भाई बहन भाग खड़े होते हैं, जबकि डिकलेडी अपने बच्चों को बचाने के लिए रमोघाटा का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और वह खुद को सैक्रिफाइस करने वाली है ताकि उसके कब्ज जीवित बच जाए। किसी तरह वह अपनी जान बचाती है और अपने कब्ज को आवाज देती है, लेकिन बच्चों का कोई जवाब नहीं मिलता है। डिकलेडी बुरी तरह घबराई हुई है, उसे डर है कहीं उसके बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। तभी उसके कब्ज नजर आते हैं। डिकलेडी चैन की सांस लेती है। उसके बच्चे छोटे जरूर हैं, पर इतने समझदार हैं कि मुसीबत में अपनी जान बचा सके। सेपो और उसके भाई बहन फाइनली समझ चुके हैं यह किंगडम कैसे चलता है और इसमें हर कदम पर खतरा है। मकुलू पैक का लीडर किट्सो समय के साथ साथ मैच्योर होता जा रहा है और वह अपना ड्रीम लाइफ जी रहा है। वक्त आ चुका है अपने ब्लड लाइन और साम्राज्य को आगे बढ़ाने का, जिससे पैक और मजबूत हो। लेकिन मामूटसी की सेना इनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। चाहे किट्सो कुछ भी कर ले, यह पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इसे अपने पैक को किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा, ताकि इसके आने वाले जनरेशन बड़ा होकर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स का गठन कर सके और होने वाले जंग में हिस्सा ले सके। वेस्टर्न प्राइड आइलैंड के किनारे अपने परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन यहाँ एक है जो खुश नहीं है। उसे बच्चों की यह उछल कूद पसंद नहीं है, पर नादान बच्चों को क्या पता, वे बेचारे तो इससे प्यार करते हैं। प्राइड की शेरनिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है परिवार में संतुलन बिठाए रखने के लिए। किंग रामोघाटा को फिलहाल एकांत चाहिए, जिससे शायद उसका मूड कुछ ठीक हो जाए। लेकिन रामोघाटा के जाते ही उसका परिवार दुश्मन के नजरों में आ गया है। किंगडम के हर्ट में स्थित यह जगह हाइनास का है, जहां इसके बच्चे बड़े हो रहे हैं। मामूटसी एक बेहतरीन कमांडर और एक डिवोटेड मदर है। उसकी बेटी आगे जाकर उसके साम्राज्य को संभालेगी। उसमें वह काबिलियत अभी से ही नजर आ रही है, यह चीज उसके खून में है। इधर डिकलेडी के बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं, अब वह थोड़ा चैन की सांस ले सकती है। सेपो और उसके भाई बहन अपने टेरिटरी को हर मुमकिन एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिलहाल तो वे नदी किनारे आ गए हैं, जहां शिकार कर पाना मुश्किल काम है। सेपो में
काबिलियत तो है शिकार करने की, लेकिन उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ऐसे में अब सब कुछ डिकलेडी पर डिपेंड है। वह एक हिरण का शिकार करने में कामयाब होती है, लेकिन उसके कब्ज उसे फॉलो नहीं करते हैं। रास्ते में पानी है जिसमें वह फंस चुके हैं, अकेले और हेल्पलेस। इसीलिए डिकलेडी को शिकार छोड़कर लौटना पड़ता है अपने बच्चों के पास। बेचारे हिरण का आज लकी डे था। डिकलेडी का परिवार कई दिनों से भूखा है, लेकिन उन्हें फिर भी आगे बढ़ते रहना होगा और इसी जगह शिकार करना होगा। ममूटसी अपने बच्चों के साथ सुकून से दिन गुजार रही है, लेकिन ये बच्चे काफी छोटे हैं और खतरों से घिरे हुए हैं, जिनकी हिफाजत के लिए पूरी सेना है। रमोगाटा और उसका भाई प्राइड से दूर है। ऐसे में शेरनी चैन की सांस ले रही है। अब इन्हें गुस्सेल राजा को खुश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में एक बंजारा शेर कहीं से आ पहुंचता है और वह सब कुछ पाना चाहता है जो रमोगाटा के पास है, जिसे पाने के लिए वह बच्चों को मार सकता है, लेकिन रानिया ऐसा होने नहीं देगी। यहाँ इन्हीं की चलती है। यह इंट्रूडर इनके सामने घुटने टेक देता है और वहां से चला जाता है। वेस्टर्न प्राइड की ताकत यह शेरनिया है, जो एक साथ होकर वफादारी से रह रही है और किसी में इतनी पावर नहीं कि इनसे छीन सके इस सैवेज किंगडम को। लेकिन यह मैदान एक जंग है जहां कुछ भी हो सकता है। देखेंगे अगले एपिसोड में आगे की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा गाइस। 4000 लाइक का टारगेट है, उसे प्लीज पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।